नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आज देखिए बहुत ही इजी रेसिपी लाई आप लोग के लिए, बहुत ही टेस्टी है ये सब्जी। आप चावल के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाओ और बहुत जल्दी बन जाते हैं। सप्ताह में 5 रोज आप यही बनाओगे फ्रेंड्स। तो ये चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ देखिए 3 उबले आलू ली हूँ और 3-4 हरी मिर्च काट ली हूँ, आधा कटोरी जैसा दही ली हूँ। उसके बाद इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और यह सारे मसाले डाल रही हूँ। बेसिक मसाले जो है, यहाँ धनिया पाउडर है, काली मिर्च है 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच जैसे मैं यहाँ जीरा डाल रही हूँ, जीरा पाउडर जो भुगा हुआ जीरा है उसका पाउडर है, और इसी में मिर्च मिला हुआ है, लाल मिर्च। उसके बाद इसमें आप लाल मिर्च अगर खाने के लिए तीखा पसंद है तो और आप डाल सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें दही डाल रहे हैं तो ये खट्टे होते हैं, तो ये मिर्ची आप डाल सकते हो। लेकिन मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ, ज़्यादा मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच जैसा, इसको डाल दी हूँ। उसके बाद देखिए मसाले इसलिए मिला ली हूँ कि हाँ कि ये सब्जी बहुत जल्दी बनते हैं तो इसके लिए हमको टाइम नहीं मिलेंगे मसाले डालने के लिए, तो इसके लिए आप मसाले पहले मिला लें। यहाँ कढ़ाई गर्म होने दिया, कढ़ाई गर्म हो गया है, थोड़ी सी हींग और 1/2 चम्मच जैसा जीरा डाल दिए हैं, जीरा तड़क गया है। उसके बाद इसमें हरी मिर्च जो काट के रखे हुए थे उसको डाल देते हैं फ्रेंड्स। और देखिए चलिए इसको डाल देती हूँ। और उसके बाद जो है जीरा चढ़क गए हैं, और उसके बाद जो आलू रखे हुए उसको काटना नहीं है, उसको हाथ से मेस के ही डालेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसको डाल दे रही हूँ, क्योंकि आप अगर काट दोगे तो उसका स्वाद अलग हो जाएंगे, वो जैसे दम की तरह हो जाएंगे, आलू दम जो बनाते हो। ये सब्जी ऐसे ही डाला जाता है मेस के, इसको काटा नहीं जाता है, ऐसे मेस के इसको डाल दी हूँ। बहुत ज़्यादा चौके भी नहीं बनाना है इसका। तो चलिए ऐसे ही हल्की से हाथ से इसको थोड़ा क्रश कर दें, ये मेस आ गया है। अब इसको 1 से 2 मिनट भूग लेते हैं, इसको थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे देखिए, ताकि इसमें जो ऑयल है ये सारे चिपक जाए। उसके बाद इसमें मसाले जो बना के रखे हैं उस मसाले को डाल देंगे। तो चलिए अब इसमें नमक डाल दे रही हूँ, स्वादानुसार नमक डालें। और ये सब्जी व्रत के लिए भी आप बना सकते हो फ्रेंड्स, ये जब भी आप नवरात्रा के समय बनाओ। इसमें मैंने यहाँ जो नमक डाली हूँ वो सेंधा नमक है। ये सारे मसाले जो डाली हूँ वो आप व्रत में खा सकते हो, वो सारे मसाले हैं। और इसको आप देखो मसाले को अब यहाँ डाल देते हैं। आलू थोड़ी सी फ्राई हो गई है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, दम की तरह पूरा एकदम कलर इसका चेंज नहीं करना है कोई। तो चलिए मसाले को डाल दी हूँ, मसाले में मैं जो दही में मिलाई थी वो सारे मसाले डाल दी हूँ। अब उसके साथ जो कटोरी है उसको धो के 1/2 कप जैसा पानी इसमें डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है। ये सब्जी बहुत इजी तरीके से बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। और ये विदाउट लहसुन प्याज के बना रही हूँ। यह कसूरी मेथी थोड़ी सी इसमें क्रश करके डाल दी हूँ, धनिया के जो पत्ते हैं उसको भी आप डाल सकते हो, और नहीं है तो ये सबको स्किप कर सकते हो। और ये सब्जी देखिए 1 उबाल आएंगे उसके बाद इसको मैं चला देंगे, और देखिए उबाल आ गए हैं सब्जी। आप इसका कलर देखिए, टेक्सचर कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स। इसको आप व्रत में बनाओ, नवरात्रा के समय किसी भी समय आप बना सकते हो। इसमें विदाउट लहसुन प्याज, विदाउट टमाटर की सब्जी है, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप एक बार बनाओगे तो यकीन कीजिए आप सप्ताह में 5 रोज यही बनाओगे, और बच्चे अगर खाएंगे तो सप्ताह में 5 रोज आपसे यही बनाने बोलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ईजी बन जाता है और बहुत टेस्टी बनते हैं, और सब्जियों से बहुत कम टाइम लगते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए सब्जी बन के तैयार है, चलिए इसको अब निकालते हैं, सर्व करते हैं। इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स, और मेरे फेसबुक पेज MK लिविंग लाइव को भी फॉलो करें, वहाँ भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए चावल रोटी किसी के साथ भी खाओ, आप सब भी खाओ, हम लोग भी खाएंगे। बाय।